दुनिया के चलते फिरते घर जो एडवेंचर का मजा दोगुना कर देंगे। नंबर 4, रोमोटाओ। ये एक मॉडर्न और टिकाऊ घर है का डिजाइन है जिसे रोबोटिक ऑपरेशन मिशन ने डेवलप किया है। रोमोटो हाउस का डिजाइन वाकई कमाल का है। इसके बेस पर एक क्लोज रोटेटिंग पार्ट लगा है जो पूरा 90 डिग्री घूम सकता है और बाहर और ज्यादा स्पेस क्रिएट कर सकता है। यानी जरूरत के हिसाब से आप इसे बंद कमरा बना सकते हैं या बाहर बैठने के लिए बड़ा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये घर 3D प्रिंटेड कंक्रीट से बना है। इसमें सोलर पैनल और दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है। इस घर में स्मार्ट होम टेक्निक शामिल है जो इसे रहने वालों के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट बनाती है। ये छोटा सा घर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा गया है कि सिर्फ एक बटन के दबाते ही घर का स्पेस डबल हो जाता है। ये खास ट्रेलर हाउस अंदर से बंद कमरे से झटपट खुले लाउंज में बदल जाता है। न्यूजीलैंड की डिजाइन और आर्किटेक्चर कंपनी W2 ने इसे बनाया है। बस एक बटन दबाओ और ये हाइड्रोलिक्स की मदद से खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। इसे खोलने या बंद करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। नंबर 3, स्काई डांसर कैब्रियो। स्काई डांसर कैब्रियो मोटर होम एक शानदार RV है जो ट्रैवल लवर्स के लिए आइडियल है। इसमें एक खूबसूरत और आरामदायक डिजाइन है जो लंबी जर्नी को और भी मजेदार बना देता है। स्काई डांसर का इंटीरियर्स बहुत सोफिस्टिकेटेड है जिनमें स्पेशियस लिविंग एरिया, बेहतरीन किचन और आरामदायक बेडरूम शामिल है। इस मोटर होम में आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, TV और यहाँ तक कि Wi-Fi कनेक्टिविटी। इसमें ओपन रूफ है जहाँ से आप खुले आसमान का नजारा ले सकते हैं। इसके अलावा स्काई डांसर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल यूनिक है। इसकी स्टेबिलिटी और पावरफुल इंजन इसे हर तरह के रास्ते पर चलाने में आसान बनाते हैं। अगर आप नेचर के बीच में कैंपिंग करना चाहें तो इसकी व्यवस्था भी आसान है क्योंकि इसमें स्टोरेज स्पेस काफी ज्यादा है। नंबर 2, लाइटशिप L1। लाइटशिप L1 पहला RV है जिसे जमीन से लेकर ऊपर तक इलेक्ट्रिक बनाया गया है। लाइटशिप L1 एक चलता फिरता घर है। ये एक ऐसा घर है जो आपके साथ हर जगह जा सकता है। इसका डिजाइन बहुत स्मार्ट और मॉडर्न है जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है। इसे एक कार या ट्रक से आसानी से खींचा जा सकता है। इसमें एक यूनिक ड्यूअल मोड फीचर है जिसमें रोड मोड में बेहतर एरोडायनामिक और रोड टोइंग वाहन की सीमा पर मिनिमल इफेक्ट के लिए छत को नीचे करके इसकी ऊंचाई 6 फीट 9 इंच तक कम कर दी जाती है। इस चलते फिरते घर में सभी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो एक परमानेंट घर में होती हैं। इसमें एक छोटा लेकिन आरामदायक बेडरूम, किचन, बाथरूम और लिविंग एरिया होता है। किचन में कुकिंग के लिए सभी जरूरी सामान जैसे स्टोव, सिंक और फ्रिज होते हैं जिससे आप अपने सफर के दौरान भी घर जैसा खाना बना सकते हैं। इसमें सोलर पैनल भी लगे होते हैं जिससे ये अपने आपको चार्ज कर सकता है और आपको बिजली की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसका इंटीरियर बहुत आरामदायक और खूबसूरत है जिसमें आपको एक शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। इस चलते फिरते घर का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कहीं भी जा सकते हैं और वहीं रुक सकते हैं जहां आपका मन करे। नंबर 1, ट्रक सर्फ होटल। ट्रक सर्फ होटल एक शानदार और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेकर आता है जहां सर्फिंग और ट्रैवल का मजा एक साथ मिलता है। इस ट्रक में एक ऐसा डिजाइन दिया गया है जिसे रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके एक्सपेंड किया जाता है। दीवारें बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं जिससे प्राइवेट रूम्स, एक किचन, एक बेडरूम, एक शावर और रहने के लिए एक बड़ा स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसमें एक बड़ा और कंफर्टेबल लिविंग एरिया है जहां सोफे, टेबल और चेयर होती है। यहां एक बड़ी खिड़की होती है जिससे बाहर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो सर्फिंग लवर्स हैं और साथ ही ट्रैवल करने का शौक रखते हैं। इसके अपर फ्लोर में आरामदायक बेडरूम होते हैं जिसमें डबल बेड और सिंगल बेड दोनों के ऑप्शन होते हैं जिससे गेस्ट अपने कंफर्ट के मुताबिक सो सके। बेड के आसपास की जगह में स्टोरेज के लिए अलमारियां होती हैं जिससे सामान को अच्छे तरीके से अरेंज करके रखा जा सकता है। इसमें एक ओपन एरिया होता है जहां सर्फिंग के बाद आराम किया जा सकता है। तो ये थे दुनिया के चलते फिरते घर जो एडवेंचर का मजा दोगुना कर देंगे। वैसे आपको इनमें से कौन सा मोटर होम सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।